मु पवित्र आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल एजु पॉइंट्स को। सो फ्रेंड्स मोर प्रीवियस वीडियो रे 50टा कंप्यूटर रो फंडामेंटल क्वेश्चन प्रोवाइड करथली। मु मेंशन करथली जे 100टा कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन प्रोवाइड करबी। ओके 50टा प्रोवाइड करथली। एक्चुअली मो आई इन्फेक्शन होईची, ए इन्फेक्शन एपर्यंत भल होइनी जोंत पे मु वीडियो पोस्ट करि पाउ नथिल, किंतु यूट्यूब एमे तो प्लेटफार्म रेगुलरली वीडियो पोस्ट करबा को पड़िबो। नचे आप सब्सक्राइबर्स जो मैंने सब्सक्राइब करते से ही तो अनसब्सक्राइब करदे ना, तेणु मुझे बहुत कष्ट स्क्रीन के चाहिए होने लाइट पड़े बहुत कष्ट हो, फिर भी आप क्वेश्चन टाइप वीडियो प्रिपेयर करदी कौट किसी भूलभाल रहे आपको करेक्ट करदे, कहीं मो बाकी प्राय देखा ही जाऊन। ओके आउ डेरी करियानी, प्रथम प्रश्न को जीवा। देखो प्रथम प्रश्न कौन अच्छी, प्रथम प्रश्न अच्छी द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स ऑप्शन ए यूआरएल, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी ईमेल, ऑप्शन डी आईपी। आईपी रो फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके ताले प्रश्नर उत्तर कौन यूआरएल, जोटा कि ऑप्शन ए अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू को जीवा। क्वेश्चन नंबर टू कौन अच्छे देख, यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल स्टैंड्स फॉर माने यूआरएल रो फुल फॉर्म कौन। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन, ऑप्शन बी यूनिवर्सल रिसर्च लोकेशन, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी ऑल द अबव। ताले यूआरएल स्टैंड्स फॉर कौन, ए प्रश्नर उत्तर आपण मैंने कमेंट कर जनइबे। ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर टू को, आज गोटा कमेंट करने को जनाऊे कैंडली कमेंट करेंगे। ओके आपणकर भी नॉलेज टेस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की जी, क्वेश्चन नंबर थ्री कौन अच्छी देखो, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, ऑप्शन ए टोपोलॉजी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर फोर को, क्वेश्चन नंबर फोर कौन अच्छी देखा, क्वेश्चन नंबर फोर द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड, डाटा रो स्ट्रक्चर बा फॉर्मेट को कौन कहा जाए। ऑप्शन ए मैनेजमेंट, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी सिंटैक्स, ऑप्शन डी नॉन बा कौन सी नुहे। ताले द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड सिंटैक्स, जोटा कि ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा, क्वेश्चन नंबर फाइव देखा कौन अच्छी, कीबोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ, कीबोर्ड कहार गोटे एग्जांपल, ऑप्शन ए रहुचि इनपुट डिवाइस रो, ना ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस रो, ना ऑप्शन सी बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ना ऑप्शन डी कौन सीटर नुहे। ताले कीबोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, जोटा कि ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर सिक्स को, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स अच्छी, मॉनिटर इज द एग्जांपल ऑफ, मॉनिटर कहार एग्जांपल, इनपुट डिवाइस रो, ना आउटपुट डिवाइस रो, ना डिस्प्ले रो, ना कौन सीटर नुहे तीन टा ऑप्शन रु। ताले मॉनिटर इज द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, जोटा कि ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की जी, बट जदि भिडियोटे आपको भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को नुआ विजिट करते सब्सक्राइब निश्चिंत रूपे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवेन देखु, ए कंप्यूटर कनसीस्ट ऑफ, कंप्यूटर क्या नहीं कनसीस्ट होता है गठित होता है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जोटा कि आम कहूँ सीपीयू, ऑप्शन बी ए मेमोरी, ऑप्शन सी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी ऑल द अबव। ताले प्रश्नर उत्तर ऑप्शन डी ऑल द अबव। ए कंप्यूटर कनसीस्ट ऑफ दिज थ्री ऑप्शंस, दैट मीन्स ऑल द अबव। ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट अच्छी कौन देखा, हाउ मेनि फंक्शन कीज आर ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड रे केतेटा फंक्शन की अच्छी। ऑप्शन ए चारिटा, ऑप्शन बी आठटा, ऑप्शन सी बारटा, ऑप्शन डी षोलटा। ताले प्रश्नर उत्तर ऑप्शन सी बारटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन कम अच्छी देखा, रैम एंड रोम आर द एग्जांपल ऑफ, रैम आउ रोम कहार गोटे एग्जांपल। ओके रैम रोम, रैम रोम रोम भूल कारण प्रॉब्लम रोचे टी मो आखि प्रोब्लेम एमती हो जाए। रैम एंड रोम आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस रो, ना आउटपुट डिवाइस, ना स्टोरेज डिवाइस, ना ऑप्शन डी कौन सी नुहे। ताले रैम और रोम हूँ ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ओके ये दुटा हूँ स्टोरेज। ओके स्टोरेज रो एग्जांपल। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर टेन, स्पीकर इज एन एग्जांपल ऑफ, स्पीकर इज एन एग्जांपल ऑफ, स्पीकर कहार गोटे उदाहरण, ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी हाफ्लेक्स,
ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स। ताले स्पीकर इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। ओके सिंप्लेक्स रो एग्जांपल होउची स्पीकर बा स्पीकर होउची सिंप्लेक्स रो गोटे एग्जांपल। नेक्स्ट जीबा क्वेश्चन नंबर 11 कोच देखिबा टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जांपल ऑफ डैश सिस्टम। टेलीफोन नेटवर्क गोटे एग्जांपल को सिस्टम रो ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी हाफ फ्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी नॉन बा कोनो सिटिन होय। ताले टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जांपल ऑफ डैश सिस्टम फुल डुप्लेक्स। ओके नेक्स्ट जीबा क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कोन छ देखो तो वाकी टकी इज एन एग्जांपल ऑफ वाकी टकी कहले जोटा माने प्राय व्यवहार करनते हमर सेना रे लोक माने। ओके वाकी टकी माने जोटी नेटवर्क नथिबो सेठी एटा बेसी काम करे। ओके वाकी टकी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी हाफप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी नॉन बा कोनोसी नहि। ताले वाकी टकी इज एन एग्जांपल ऑफ हाफप्लेक्स हाफप्लेक्स। ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 13 कोन छ देखिबा। क्वेश्चन नंबर 13 देखंतु सीपीयू कंट्रोल्स। सीपीयू कौन कंट्रोल करे? कंट्रोल मेमोरी, ऑप्शन बी कंट्रोल इन ओनली इनपुट, ऑप्शन सी ऑल इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ना ऑप्शन डी ऑल द अबव। ताले सीपीयू कंट्रोल्स ऑल इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। सीपीयू टाइम कौन करे? इनपुट करे तापर प्रोसेसिंग करे तापर आउटपुट करे माने डाटाटा इनपुट हबो भीतर प्रोसेसिंग हबो तापर डाटाटा कौन हबो आउटपुट रे ऊपर बाहरिबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 14 कौन छ देखिबा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर? प्रथम कंप्यूटर ना कौन थिला? ऑप्शन ए एनियाक, ऑप्शन बी यूनियाक, ऑप्शन सी पी रैम, ऑप्शन डी नॉन। तार प्रथम कंप्यूटर ना कौन थिला? एनियाक जोटा कि ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 15 एनियाक स्टैंड्स फॉर बा एनियाक रा फुल फॉर्म कौन? ऑप्शन ए देखंतु इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक नंबर इनपुट एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी बोथ बा ऑप्शन ए बी दीटा, ऑप्शन डी नॉन बा कोनसिटी नहि। ताले एनियाक स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए जोटा अछि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कौन अछि देखि नबा। देखंतु इन व्हिच जनरेशन OS was developed? OS मागुरु कही चलची OS means operating system। को generation रे OS बा operating system develop हुई थेला? option A first generation, option B second generation, option C third generation, option D fourth generation। ताले प्रश्नर उत्तर option C third generation। in third generation OS बा operating system was developed। okay next जीवा देखंतु क्वेश्चन नंबर 17 इन कंप्यूटर OCR स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर रे OCR स्टैंड्स फॉर बा OCR रा फुल फॉर्म कौन? ऑप्शन ए ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कार्ड रिमूवर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ताले OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 18 को। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कौन अच्छी कंप्यूटर माउस इज यूज फॉर। कंप्यूटर माउस कौन पाई व्यवहार हुए? कंप्यूटर माउस इज यूज फॉर ऑप्शन ए ड्राइंग पाई, ऑप्शन बी क्रिएटिंग लाइन पाई, ऑप्शन सी सिलेक्टिंग पाई, ऑप्शन डी ऑल द अबव। ताले कंप्यूटर माउस ए सब पाई व्यवहार हुए। ताले आंसर कौन हबो? ऑप्शन डी ऑल द अबव। ओके देन क्वेश्चन नंबर 19 के जीवा हु इज द डेवलपर ऑफ माउस। माउस रा डेवलपर किए? ऑप्शन ए डेनिस रिची, ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी डोग्लास एंजेलबर्ट, ऑप्शन डी जेम्स फकनर। ताले प्रश्नर उत्तर ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 20 को। यूएसबी स्टैंड्स फॉर। यूएसबी रा फुल फॉर्म कौन? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सिक्वेंस बस, ऑप्शन सी यूनिक सीरीज बस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस बा कौन सिटी नहि। ताले यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके मोर नेक्स्ट वीडियो रे देखंतु किछ टा अब्रिविएशन आनिबे। ओके फुल फॉर्म माने विभिन्न प्रकार जिंस रहबो कंप्यूटर रिलेटेड तार फुल फॉर्म। ओके ता दुर गोटे दिटा क्वेश्चन आसुची। ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 देखियो देखंतु एबे जीवा हमें क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर। गोटे डेसिमल नंबर रो बेस केते थाय? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 16।
ताले गोटे डेसिमल नंबर बेस्ट था सब ऑप्शन सी 10। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 22। यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूपीएस स्टैंड्स फॉर बा यूपीएस रो फुल फॉर्म कौन अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई यूनिट पावर सप्लाई ऑप्शन सी यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑप्शन डी नॉन बा कौनसी नुहे यूपीएस स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए देखो ऑप्शन ए अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 23 को देखो कौन अच्छी कंप्यूटर मॉनिटर इज अल्सो नोन एज कंप्यूटर जो मॉनिटर से आउ को ना हिसाब से जनाशुना ऑप्शन ए वीडीयू ऑप्शन बी सीसीटीवी ऑप्शन सी डीवीडी ऑप्शन डी सीडी को भाव जनाशुना वीडीयू हिसाब से कंप्यूटर मॉनिटर जना आउ गोटे ना हिसाब से। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 24 वीडीयू स्टैंड्स फॉर बा वीडीयू रो फुल फॉर्म कौन ऑप्शन ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऑप्शन बी वर्चुअल डिस्क यूनिट ऑप्शन सी विजुअल डिस्प्ले यूजर ऑप्शन डी नॉन ताले वीडीयू स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 25 देखा कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 25 अच्छी देखो व्हिच जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट को जेनरेशन कंप्यूटर एबि डेवलपमेंट हबार अच्छी डेवलपमेंट स्थित चली तार डेवलपमेंट प्रोसेस चली ऑप्शन ए फोर्थ जेनरेशन ऑप्शन बी फिफ्थ जेनरेशन ऑप्शन सी सिक्स्थ जेनरेशन ऑप्शन डी सेवेन्थ जेनरेशन तार को जेनरेशन ऑप्शन बी फिफ्थ जेनरेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कौन अच्छे देखने द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द टर्म कंप्यूटर कंप्यूटर टर्मटा कौटू डिराइव ऑप्शन ए संस्कृत लैंग्वेज रु ना ऑप्शन बी जर्मन लैंग्वेज रु ना ऑप्शन सी ग्रीक लैंग्वेज रु ना ऑप्शन डी लैटिन लैंग्वेज रु ताले टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम ऑप्शन डी लैटिन लैंग्वेज रु कंप्यूटर टर्म टी आसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 27 देखु क्वेश्चन नंबर 27 कौन अच्छी व्हाट आर द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज चार्ल्स बैबेज को द्वारा डिजाइन होता प्रथम कंप्यूटर ना कौन थी ऑप्शन ए एनियाक ऑप्शन बी कोलोसस ऑप्शन सी फेरांटी मार्क वन ऑप्शन डी एनालिटिकल इंजन तेल कौन थी ऑप्शन डी एनालिटिकल इंजन। ओके जस्ट टिके ऑप्शन डी एनालिटिकल इंजन। ओके नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखो व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड केबे प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होता ऑप्शन ए 1948 ऑप्शन बी 1949 ऑप्शन सी 1950 ऑप्शन डी 1951 ताले प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम केबे डेवलप होता ऑप्शन सी 1950 रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 29 इन व्हिच जेनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड को जेनरेशन ने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होता ऑप्शन ए फर्स्ट जेनरेशन ऑप्शन बी सेकंड जेनरेशन ऑप्शन सी थर्ड जेनरेशन ऑप्शन डी फोर्थ जेनरेशन ताले प्रश्नर उत्तर ऑप्शन सी थर्ड जेनरेशन इन थर्ड जेनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वेयर डेवलप्ड। ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 30 देखो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कहले कौन बुझ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग ऑप्शन बी ए वे ऑफ कंप्यूटर ड्राइव्स वर्क्स ऑप्शन सी ए सेट ऑफ डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स ऑप्शन डी ऑल द अबव ताले व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए इज द आंसर ऑप्शन ए कौन अच्छे देखो ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग गोटे सेट प्रोग्राम गोटे सेट जोटा कि कंप्यूटर काम को कंट्रोल करे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 31 देखो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पोज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो प्राइमरी पर्पोज कौन ऑप्शन ए मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज गोटे कंप्यूटर को जिते अति सहज करें व्यवहार पर ऑप्शन बी अलाउ पीपल टू यूज द कंप्यूटर बा लोक मानक अलाउ करवा कंप्यूटर यूज करने ऑप्शन सी कीप सिस्टम प्रोग्राम्स एम्प्लॉयड ऑप्शन डी मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर ताले व्हाट इज द प्राइमरी पर्पोज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम द आंसर इज ऑप्शन ए जोटा कि अच्छे मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज के सहज हो पार कंप्यूटर आम व्यवहार करवा। ओके नेक्स्ट जी क्वेश्चन 32 देखो क्वेश्चन कौन अच्छी इंटीग्रेटेड सर्किट जहाँ को आम कौ आईसी आईसी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू व्हिच जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर आईसी बा इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू व्हिच जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौ जेनरेशन कंप्यूटर से जनाशुना ऑप्शन ए फर्स्ट जेनरेशन ऑप्शन बी सेकंड जेनरेशन ऑप्शन सी थर्ड जेनरेशन ऑप्शन डी फोर्थ जेनरेशन आईसी बा कौन कहल तक जस्ट वेट आईसी बा इंटीग्रेटेड सर्किट एटा फोर्थ थर्ड जेनरेशन। ओके
नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 33 को देखो कौन अच्छी कंप्यूटर माउस इज एन इसेनसीआल पार्ट ऑफ कंप्यूटर माउस कह गोटे इसेनसीआल पार्ट निहाती दरकारी पार्ट कहार ऑप्शन ए सीपीयू ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी हार्डवेयर ऑप्शन डी मदरबोर्ड ताले कंप्यूटर माउस इज एन इसेनसीआल पार्ट ऑफ ऑप्शन सी हार्डवेयर ओके हार्डवेयर गोटे इसेनसीआल पार्ट कौन माउस नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 34 टास्क बार इज यूज फॉर टास्क बार इज यूज फॉर टास्क बार कौन पाई व्यवहार करा जाए ऑप्शन ए स्टार्ट प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम को स्टार्ट करने ऑप्शन बी नेविगेशन प्रोग्राम ऑप्शन सी स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम ऑप्शन डी ऑल द अबव ताले प्रश्नर उत्तर ऑल द अबव ओके जोटा कि अच्छी देखंतु ऑप्शन नंबर डी ए सब काम टास्क बार रे होय टास्क बार इज यूज फॉर ए सब काम पई ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 35 देखंतु कौन अच्छी मुझे तत्वर आज करदे कहीं आखि मोर बहुत पेन होदी कौट किसी भूल रो आपने करेक्ट करदे मोर आशा देखो क्वेश्चन नंबर 35 व्वेन यू डिलीट ए फाइल फ्रम ए कंप्यूटर व्वेयर डज इट गोज कंप्यूटर जिते बे गोटे फाइल को डिलीट करा जाए तो से फाइलटा कौटिक जाए ऑप्शन ए टास्क बार ऑप्शन बी हार्ड डिस्क ऑप्शन सी रिसाइकल बिन ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस टाइल कोटिक जाए देखंतु ऑप्शन सी रिसाइकल बिन आपण मानकर फोन रे भी सिस्टम अछि आपण जदि कोनो जदि जिनसे डाउनलोड कर दउछन ताहाले भी रिसाइकल बिन रे पाखा पाखी आ 30 दिन फोन रे सेटा रहे कटे नहीं ठीक समय कंप्यूटर रे डिलीट करले भी रिसाइकल बिन रे से सब रही जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 36 अबाकस वाज डेवलप्ड बाय अबाकस कहा द्वारा डेवलप होता बा कौ देश द्वारा डेवलप होता कौ देश रे डेवलप होता ऑप्शन ए इंडिया ऑप्शन बी चाइना ऑप्शन सी अमेरिका ऑप्शन डी जर्मनी अबाकस वाज डेवलप्ड बाय ऑप्शन बी चाइना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 37 देखो कौन अच्छी सेकेंड जेनेसन कंप्यूटर वेयर डेभलपड ड्यूरींग सेकेंड जेनेसन कंप्यूटर केवलप होता कौ मसीह कौ मसीह भितर डेवलप होता ऑप्शन ए 1949 टू 1955 ऑप्शन बी 1956 टू 1965 ऑप्शन सी 1965 टू 1979 ऑप्शन डी 1970 टू 1990 ताले सेकेंड जेनेसन कंप्यूटर्स वर डेवलप ड्यूरींग ऑप्शन बी 1956 टू 1965 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन 38 को कंप्यूटर इनपुट डिवाइस डिवाइस एग्जांपल सार कंप्यूटर इनपुट डिवाइस एग्जांपल सार ये जो तय सब ऑप्शन अच्छे भितर कौटा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस रो गोटे एग्जांपल ऑप्शन ए स्कैनर ऑप्शन बी कीबोर्ड ऑप्शन सी पॉइंटिंग डिवाइस ऑप्शन डी ऑल द अबव ताले सब गुड़िक होउछि कौन ये सब गुड़िक होउछि कंप्यूटर इनपुट डिवाइस रो एग्जांपल हाँ ना नहीं आपण कमेंट कर जनइबे ओके आशा करछि क्वेश्चन आंसर आपण माने कमेंट कर जनइबे क्वेश्चन नंबर 2 पचारथिली ए क्वेश्चन भी पचाऊँच क्वेश्चन नंबर 38 ओके क्वेश्चन नंबर 2 आ क्वेश्चन नंबर 38 आंसर आप कमेंट कर जनइबे बोली मोर आशा नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 39 को देखु डॉट मैट्रिक्स जस्ट वेट टिके देखो क्वेश्चन नंबर 39 अच्छी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहार गोटे एग्जांपल ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर ऑप्शन बी इंपैक्ट प्रिंटर ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस बा कोनोसिटी नुहे ताहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन बी इंपैक्ट प्रिंटर ओके नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 40 कौन अच्छे देखा जस्ट टिके क्वेश्चन नंबर 40 की जीवा देखो क्वेश्चन नंबर 40 आएगा क्वेश्चन नंबर 40 कौन अच्छे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन प्रोग्राम एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरमीडिएटरी बा इंटरमीडिएरी बिटवीन प्रोग्राम एंड डैश ऑप्शन ए यूटिलिटीज ऑप्शन बी कौन एथरनेट ऑप्शन सी हार्डवेयर ऑप्शन डी यूजर इंटरफेस यार उत्तर ऑप्शन डी यूजर इंटरफेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एम एस वर्ड आम केसेंट मैक्सीम जूम कर गोटे जिनस को ऑप्शन ए 200% ऑप्शन बी 300% ऑप्शन सी 400% ऑप्शन डी 500% ताल उत्तर 500% जोटा कि ऑप्शन डी एम एस वर्ड रे आम जूम मैक्सिमम 500% करके नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज जूम इन एम एस पावर पॉइंट आम के मैक्सिमम जूम करते मैक्सिमम परसेंटेज जूम कर ऑप्शन ए 500% ऑप्शन बी 400% ऑप्शन सी 300% ऑप्शन डी
100% କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 400% ଏମ୍ ଏସ୍ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 400% ଜୁମ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା ଏଇଠି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଜୁମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସେଲ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଜୁମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସେଲ୍। ଏକ୍ସେଲ୍ରେ କେଉଁଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ବା ଏମ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ କେଉଁଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଜୁମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ଏ 10%, ଅପସନ୍ ବି 100%, ଅପସନ୍ ସି 300%, ଅପସନ୍ ଡି 500%। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଡି 500%, କେଉଁଟା ଏମ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 44। 1 GB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, 1 GB କେତେ MB ପଚରା ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ 1024 MB, ଅପସନ୍ ବି 1000 MB, ଅପସନ୍ ସି 1025 MB, ଅପସନ୍ ଡି 2024 MB। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍ତର 1 GB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1024 MB, ଯେଉଁଟା କି ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 45। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ LED। LEDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଲାଇଟ୍ ଏମିଟର୍ ଡାୟୋଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ବୋଥ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ବି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରାଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ଼, ଲାଇଟ୍ ଏମିଟର୍ ଡାୟୋଡ଼। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ଼, ଯେଉଁଟା କି କ୍ଲାସ୍ 8ରେ, ମୋର ଠିକ୍ସେ ମନେ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ବୋଧେ ଥିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଷୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 8 କି 9ରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା LED ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ଼। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46 କ'ଣ ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ କି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ରିନେମ୍ ଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଇକନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍। କେଉଁ କୀଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରିନେମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ରିନେମ୍ କରିବାକୁ ବା ଫୋଲ୍ଡର୍ଟାକୁ ରିନେମ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଅପସନ୍ ଏ F3, ଅପସନ୍ ବି F2, ଅପସନ୍ ସି F4, ନା ଅପସନ୍ ଡି F5। ତାହେଲେ ରିନେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଅପସନ୍ ବି F2। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଗୋଟେ ଲଗ୍ଇନ୍ ନେମ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ର ଭେରିଫିକେସନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ଅପସନ୍ ବି କନଫିଗରେସନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଆସେସିବିଲିଟି, ଅପସନ୍ ଡି ଲଗିଂ ଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଭାବିପାରନ୍ତି ଲଗିଂ ଇନ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ କିଛି ଗୋଟେ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଚେକ୍ ହୁଏ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ରେ ଗୋଟେ କିଛି ପଠାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଏ? ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଚେକ୍ ହୁଏ ବୋଲି। ଓକେ ତାହେଲେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇମେଜ୍ ଫାଇଲ୍। ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇମେଜ୍ ଫାଇଲ୍ର? ଅପସନ୍ ଏ .xls, ଅପସନ୍ ବି .doc, ଅପସନ୍ ସି .jpg, ଅପସନ୍ ଡି .mp3। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ ତାହେଲେ? ଅପସନ୍ ସି .jpg, .jpg ଏଇଟା ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ, .jpg .jpg ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇମେଜ୍ ଫାଇଲ୍। ଓକେ ତାପରେ .doc ଏଇଟା ହେଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, .mp3 ଏଇଟା ହେଲା ଗୀତ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସଙ୍ଗ୍ ଆମେ କହୁଛେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ିଂ ୟୋର କମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ବ୍ଲଗ୍ ଅର୍ ଫୋରମ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବା ଫୋରମ୍ରେ ନିଜର କମେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟିଂ, ଅପସନ୍ ବି ଫିସନିଂ, ଅପସନ୍ ସି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟିଂ। ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରୁ ନା, କୁହାଯାଏ ନା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛ କ'ଣ, ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ, ଆଡ଼ିଂ ୟୋର କମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଅର୍ ଫୋରମ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପୋଷ୍ଟିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବାଇଂ ଆଣ୍ଡ ସେଲିଂ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଅନ୍ ଦ ୱେବ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହେଉ, ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବା ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିବା ବା ବିକିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବା କେଉଁ ନାଁରେ ସେଇଟା ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ଟ୍ରେଡିଂ, ଅପସନ୍ ବି ଇ କମର୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ହାଇପର୍ ମାର୍କେଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଏମ୍ କମର୍ସ। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ? ଇ କମର୍ସ। ଦେଖେ ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଅଛି ବି, ବାଇଂ ଆଣ୍ଡ ସେଲିଂ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଅନ୍ ଦ ୱେବ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ'ଣ? ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଇ କମର୍ସ। ଓକେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।